जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ स्ट्रॉबेरी जैम बनाना। ये मुझसे काफी दफा रिक्वेस्ट की गई है। चीजें आपको दिखा देते हैं। आपको चाहिएगा इसके लिए स्ट्रॉबेरी, जिन्हें मैंने अच्छी तरह पहले वॉश किया, ऊपर से आपने इसका सिर्फ स्टॉक काट देना, और इसके आपने चार पीसेस कर लेने, बड़े हुए या छोटे आप चार पीसेस कर लें, जरा इजी हो जाता है। साथ ही आपको चाहिएगा इसके लिए चीनी यानी कि शुगर, दैट्स कास्टर शुगर, लेमन जूस आपको चाहिए, फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही आपको चाहिएगा इसके लिए जार, जार को आपने स्टेरिलाइज कर लेना है। मेक श्योर कीजिएगा कि बॉइलिंग वाटर में आप इसको डाल करके रखेंगे, और उसके बाद आप इसे निकाल करके साफ करके साइड पर रख लें। लेकिन जब जैम तैयार होता है तो मेक श्योर कीजिएगा कि जैम भी गर्म होगा, तो आपका जार भी आप उसी वक्त स्टेरिलाइज कर लें, और गर्म जार के अंदर ही हम गर्म जैम को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं इजीली। तो ये चीजें हो गई, आपको दिखाते हैं कि इसको हमने बनाना क्या करेंगे। आप स्ट्रॉबेरी लेंगे, ऊपर हम इसी के यहाँ पर ऐड कर रहे हैं जो हमारी शुगर है। देखिए चीनी जो है वो इट डिपेंड्स कि आपको कितना मीठा जैम पसंद है, इसमें कोई इतनी खास बात नहीं होगी, लेकिन फुल रेसिपी जब आप देखेंगे मेरी रिटर्न तो आपको उसका अंदाजा खुद ही हो जाता है। अच्छी तरह आपने हनी सॉरी जो है शुगर और स्ट्रॉबेरीज को मिक्स कर लेना है। साथ ही बीच में आप डालेंगे लेमन जूस। ये डाल लेने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, और कवर करके आप इसे विद क्लिंग फिल के साथ, फॉइल के साथ कवर करेंगे, और इसे आप फ्रिज में रख देंगे फॉर अबाउट 12 आवर्स। 12 घंटों के बाद हम इसका जो है जैम की तैयारी होती है। तो ये एक प्रोसेस होता है जो आपको करना है। ये आप बेशक ओवरनाइट कर लें, 12 घंटे काउंट कर लें, और नेक्स्ट डे फिर आपको दिखाएंगे कि जैम के साथ तैयार होता है। सो प्लीज मेक श्योर कि चीनी और लेमन जूस, ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लें, कवर करके फ्रिज में रखें। 12 घंटे हो चुके हैं यानी कि 12 आवर्स इसे हमने कवर करके फ्रिज में रखा था। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने एक सॉसर लेना है, चाहे वो प्लास्टिक का हो शीशे का, आप इसको एक फ्रीजर में रखेंगे। ये एक्चुअली हेल्प करेगा हमें ये दिखाने के लिए कि हमारा जो है जैम जब तैयार होना शुरू हो जाएगा, तो दिस इज लाइक अ टेस्ट। इस पर हम टेस्ट करते हैं, जब आपकी प्लेट बिल्कुल ठंडी और फ्रोजन होती तब भी हमें पता चलता है कि जैम तैयार है कि नहीं। तो इसे हम रख देंगे फ्रीजर में। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब हम जैम को पकाना शुरू करेंगे, उस वक्त आपने जार को, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मैंने इसे गर्म पानी में वॉश किया अच्छी तरह साबुन के साथ, और इसे उल्टा करके आपने ड्राई होने देना है, टिल ईच एंड एवरी ड्रॉप जो पानी का बीच में वो खुद ड्राई हो जाना चाहिए। उसके बाद आप ओवन को प्री हीट करेंगे 180 सेंटीग्रेड 275 फेरनहाइट गैस मार्क 1 पर, और जार को और उसके लिड को आप बीच में जो है यूं सीधे यूं रखेंगे, ताकि जो है इसके अंदर में अच्छी तरह वो इट विल टेक अबाउट रफली इसको आधा घंटा दे दीजिएगा बीच में जार को और उसके लिड को। मेक श्योर कीजिएगा कि वो ओवन प्रूफ हो प्लीज, और प्लास्टिक ना हो, और इसे आधा घंटा बीच में रखेंगे। उसके बाद ओवन को बंद कर देंगे, उस वक्त तक ये बीच में ही रहेगा जब तक कि हमारा जैम तैयार नहीं हो जाता, बिकॉज हमें जार भी गर्म चाहिए और जैम भी जो होगा हमारा थोड़ा सा गर्म होगा। तो आपको दिखाते हैं कि इसको हमने कुक किस तरह, कि आपको एक बहुत ही बड़ा आपको चाहिए इसके लिए बर्तन जिसमें आप जैम को तैयार करेंगे, क्योंकि ये याद रखिएगा कि क्योंकि इसमें हमने शुगर डाली हुई चीनी, उससे ये होगा कि ये जब पकना शुरू होता है चीनी, तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा बबल्स बनते हैं बीच में और काफ़ी हद तक हाई राइज होगा, तो इसलिए आपको काफ़ी बड़ी हांडी की ज़रूरत होगी। यहाँ पर बीच में मैंने डाल दिया हुआ है जो हमने स्ट्रॉबेरीज रात को मैरिनेट की थी चीनी और लेमन जूस के साथ में, और तमाम पानी जो उसका बीच में से बना है वो बीच में डाल करके मैंने अब इसको चूल्हे को फुल हाई पर कर दिया हुआ है। जैसे इसमें जोश आएगा मैं आपको साथ साथ दिखाती चलूँ। यहाँ पर आप देख लें कि इसमें कितनी ज़बरदस्त बॉइलिंग स्टार्ट होगी, एंड दिस इज़ व्हाट आई मेंट कि ये होगा कि जब आप इसको पका रहे होंगे, क्योंकि इसमें चीनी है, चीनी का पानी ड्राई होना है, तो काफ़ी बड़े जो है इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आप छोटा पैन इस्तेमाल करेंगे तो ये सारा बाहर निकला और आपका चूल्हा भी जो है गंदा हो जाता है, तो इसका कुछ ख्याल रख लें साथ साथ सफाई का भी। और ये देख लें यहाँ पर अब आपने अभी भी शुरू से लेके जो है फ्लेम फुल पर है, फुली पर हम रखेंगे इसे। हम तब तक कुक करते रहेंगे जब तक कि जो लिक्विड है बिल्कुल इसका आप देखेंगे झाग बिल्कुल बैठ जाएगी और आपका जो सॉस है गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो तब तक हम इसे कुक करते रहेंगे, बीच बीच में हल्का सा जो है यूँ हिलाते रहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बीच में चीनी है कि कहीं नीचे हल्का सा सॉस लग ना जाए। नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, यूँ पकाते चले जाएंगे और आपको साथ साथ बीच में दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख लेंगे कितना ज़्यादा इसमें झाग था, अब पकते पकते कितना कम रह गया। देखिए स्ट्रॉबेरीज आपको लग रही कि जैसे वो भी बिल्कुल फूली हुई, लेकिन वो फूली हुई नहीं है, ये बिल्कुल कुक हो चुकी है। फ्रीजर से आपने प्लेट निकालनी, अब देख लें कितनी ठंडी है इस वक्त, और आप इस पर डालेंगे जैम। ये हमारा टेस्टर होता है, अगर ये देखें फिलहाल जो है ये एक जगह स्टैंड नहीं कर रहा, तो इसलिए अभी हमें थोड़ा और कुक करने का, प्लेट को वापस आप वापस फ्रीजर में रख देंगे और इसको फिलहाल थोड़ा अभी और कुक कर लेते हैं। फ्लेम शुरू से लेकर अभी भी हाई पर ही है। यहाँ पर आप देख लें हल्का सा डॉट डालेंगे हम दोबारा से और इसको चेक करते हैं। ये देखें अब ये जो है मूव नहीं कर रहा है, ये देख लें सो ये सेट हो चुका है। तो आपने सिर्फ यही करना है, इसका खास काम ही यही होता है कि आपने जो आपकी प्लेट इसको आप फ्रीजर में रखते हैं इसलिए कि जब आप कुकिंग स्टार्ट करने से पहले रख दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी गाइडलाइन होती है
कुकिंग करते वक्त आप हर 10 से 12 मिनट प्लीज गौर कीजिएगा, आप लेट निकालेंगे, एक छोटा सा ड्रॉप डालकर चेक करेंगे, अगर वो यूं एक जगह पे स्टैंड कर रहा है, ये देखें जैम की फॉर्म में आ चुका है, ये देख लें, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है आपका वहां पे जैम तैयार हो चुका है। आप फौरन से पहले हीट बंद कर देते हैं और इसको बीच में आप सिर्फ 10 मिनट देंगे थोड़ा सा ठंडा हो जाने के लिए। तब तक आपका जो जार है स्टेरलाइज हो चुका होगा, जैसा मैंने आपको बताया अवन में पड़ा होगा, आप उसे निकालेंगे वो भी अंदर गर्म होगा और लूक वार्म जैम को हम उसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये प्लेट का काम बहुत जरूरी है, इसका ख्याल रखिएगा। और कुकिंग के हर 10 से 12 मिनट के दरमियान आप यूं ही जो है जैम के टेक्सचर को चेक करने के लिए ठंडी प्लेट पर डालेंगे। अगर आपको लगता है अभी भी वो पतला है, स्टैंड नहीं कर रहा, आप इसको मजीद और कुक करते रहेंगे। लेकिन याद रखिए शुरू से लेके फ्लेम हाई पर ही रहती है। यहाँ पर मैं इसको सिर्फ दूंगी 10 मिनट्स ठंडे हो जाने के लिए, हल्का सा सिर्फ। और जार नीचे मेरा ऑलरेडी गर्म है अवन के अंदर जो पड़ा हुआ है, उसे निकाल करके हम इसमें जैम को डाल लेंगे और फिर आपको आगे दिखाएंगे कि नेक्स्ट कैसे इसको हमने प्रिजर्व करना है। और जो है मैंने नीचे अवन से निकाला जो अभी भी गर्म है, ध्यान से प्लीज। अब आप क्या करेंगे, जितना भी आपका जैम है इसे आपने इस जार के अंदर में डाल लेना है। तो पहले जैम को जो है जार में डाल लेते हैं, ये देख लें। तो लेट्स जस्ट पुट द जैम इन द जार। जार में डाल लेने के बाद आप क्या करेंगे, बेकिंग पेपर या वैक्स पेपर से कहा जाता है, इसको सिर्फ प्रिजर्व करने के लिए होता है ये, इस पर आप अच्छी तरह लगाकर जो लिड है आप इसको यूं बंद कर देते हैं वाइल स्टिल द जैम इज़ हॉट। और इसे आप यहीं पर शेल्फ पर रहने देंगे जब तक ये बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाता। और जब ये ठंडा हो जाएगा आप इसे फ्रिज में रखें और या किसी ऐसी जगह पर, किसी कैबिनेट में जहाँ पर धूप ना जाती हो, ठंडा रहे कैबिनेट, वहाँ पर रखकर आप इसको आसानी से एक साल के लिए जैम को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लेमन जूस डाला हुआ है जो इसको प्रिजर्व करता है। सिर्फ ये चीज़ होती है कि आपने जार को स्टेरलाइज बहुत अच्छी तरह करना, जो आपको बता चुकी हुई हूँ। और आपको यहाँ पर थोड़ा टेक्स्चर दिखाना चाहूँगी जैम का, आप देख लें कि जैसे ठंडा हो रहा है ये जैम की शक्ल में माशाल्लाह से आ रहा है। देख रहे हैं चंक्स भी हैं स्ट्रॉबेरी के, बहुत मज़ेदार बनता है ये जैम। इसी तरीके से आप बना सकते हैं अगर आप चाहें ऑरेंज का भी, सो दैट्स नॉट अ इशू। तो ये रहा आपका होममेड जैम, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net, ज़रूर बनाइएगा। पैक को कैसा लगा दुआओं में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।